नमस्कार दोस्तों, माय ऑल माय फ्रेंड्स लुक स्मार्ट चैनल के तरफ से सभी को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। और हमारे तरफ से प्रतिदिन या एक दिन बीच करके हम ऐसे मुद्दे और ऐसे इशू आप लोगों के बीच में रखते हैं जो हमारे इस लुक स्मार्ट चैनल के थ्रू समाज में कुछ लोगों को लाभ मिल सके और विधिक तक एक जागरूकता आवे और लोगों के कॉमन एक जानकारी हो सके और प्रथम दृष्टया स्तर पर लोग अपने स्तर से काम कर सके, यही इस लुक स्मार्ट का एक मुख्य उद्देश्य है। आज के इशू हमने चुना माय दोस्तों, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005। ये एक ऐसा विषय है कि हर व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है और आज आपको विस्तृत रूप से बहुत सरलता रूप से आपको बताएंगे कि सूचना का अधिकार क्या है और ये कैसे लागू हुआ, इसमें क्या क्या अधिकार है, बहुत सारांश में आपको समझाएंगे और कोशिश करेंगे आप हमारी बातों से तथ्यों से आप समझ सकेंगे। अगर हमारी बात अगर तथ्य न प्रतिदिन जो हम चैनल के थ्रू देते हैं तो प्लीज़ इसको प्रचार प्रसार करें और लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब कराना ना भूलें। सब्सक्राइब करने का कोई राशि नहीं है। चलिए हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज द राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी हिंदी में सूचना का अधिकार क्या है। 1976 की बात है, 1976 में एक वाद दर्ज हुआ था राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश का मामला चला था और मामला ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामला को सुनवाई कर उस वाद में सूचना से संबंधित अधिकारों के संबंधित लेकर को वाद दर्ज किया गया था। अंत में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। उस अनुच्छेद 19 जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो में ऐसा प्रावधान है कि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को भारत वर्ष में सबको बोलने का, अपने अंदर से अभिव्यक्त करने का सबको अधिकार दिया गया है। और इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर उसके पारित के पश्चात उस आदेश के आलोक में अंत में सांसद द्वारा 2005 में इस कानून को पारित किया गया जिसका नाम हुआ सूचना का अधिकार, इंग्लिश राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005। अभी चलते हैं कि पहला सब्जेक्ट आपके मैं दोस्तों सबको जानकारी होना चाहिए किस तरीके के सूचनाएं हमको प्राप्त करनी चाहिए। मुख्यतः आपको बता रहे हैं जैसे कि सरकार से आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और उसका आप सूचना के रूप में आप जवाब मंगा सकते हैं गवर्नमेंट से। नंबर दो, किसी भी सरकारी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति आप ले सकते हैं। तीसरा अधिकार दिया गया है कि किसी भी सरकारी दस्तावेज की जांच आप इस कानून के तहत आप जांच करवा सकने का आपको भी अधिकार है। किसी भी सरकारी काम की जांच आप सूचना के अधिकार के थ्रू आप कराने का आपका अधिकार है। और किसी भी सरकारी काम के इस्तेमाल में सामग्री या जो भी किया गया हो तो आप चाहें तो आप सामग्री की आपको उसके प्रदर्श के रूप में आप उसको भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी उसका सर्टिफाई कॉपी करके आपको दिया जाएगा। यहाँ तक कि आप घोषित है कि ऑनरेबल कोर्ट लोअर कोर्ट में भी अगर आपको किसी अभिलेख की आवश्यकता हो
तो आप अब वहाँ भी अधिकार है कि आप पनरवल कोर्ट में जिला सेशन जज के पास आप अप्लाई करते हैं, तो इस नियम के तहत आप कोई भी दस्तावेज की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से आपको दी जाएगी। एक यहाँ सरकार ने सुविधा दिया है कि अगर कोई पूरे भारतवर्ष में अगर कोई बीपीएल कैडर का कोई व्यक्ति यानी बीपीएल में अगर नीचे आते हैं, औसत नीचे वाले आते हैं, तो उनको सरकार ने छूट दिया है कि उनका कोई भी शुल्क राशि उनका नहीं लगेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट और उनको सूचना मांगे जाने पर उनको सूचना दी जाएगी। और जो बीपीएल से ऊपर वाले हैं उनको 10 रुपये का एक फॉर्म कॉमन में हर कचहरी में हर ऑफिस हर दुकान में जहां ये किताब कॉपी की दुकानें होती हैं चाहे मॉर्निंग ऑफिस जहां कचहरी के अगल बगल आप जाके ले सकते हैं और उसके साथ 10 रुपये का पोस्ट ऑर्डर बीपीएल के लिए माफ है, केवल बीपीएल को छोड़ करके 10 रुपये का पोस्ट ऑर्डर लेंगे और उसमें ये भर करके उसे विधिवत सभी सूचना है साफ साफ लिखना है और आप उसको भर के आप उसको मांग सकते हैं और जिसकी सूचना उनको 30 दिन से 45 दिन के भीतर उनको सूचना देना है। यानी कि कितनी बड़ी जवाबदेही कितनी बड़ा आपका मदद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया और उसके तहत आप किसी भी सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। माय डियर माय दोस्त, और एक बात बता दें आपको, अगर कोई मामला अगर आपको ट्रायल कोर्ट में चलता हो, अगर ट्रायल कोर्ट में यानी कि मुकदमा जहां जिसका ऑनरेबल कोर्ट में ट्रायल शुरू हो जाता है, अगर आप सूचना के अधिकार के तहत कोई दस्तावेज अगर सूचना प्राप्त करते हैं अगर आप उसका लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा देते हैं तो ऑनरेबल कोर्ट उसको आपको उसको उस रिकॉर्ड को पढ़ेंगे और उस अभिलेख को सर्टिफाइड कॉपी को पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में रखा जाएगा और ऑनरेबल कोर्ट रखते भी है। कितनी बड़ी सुविधा है। उसके बाद अगर आप 30 दिनों के या 45 दिन के भीतर अगर आप सूचना मांगते हैं, अगर वो सूचना न दे समय पर तो आप उस अवधि के बाद सीधा यानी जो लोक सूचना जो पदाधिकारी पहले नीचे वाले होते हैं अगर सूचना न दे समय पर तो आप सीधा उसको अवधि 30 से 45 दिन का अवधि समाप्त हो जाती है तो आप सीधा उसके ऊपर वाले जो कंट्रोलिंग होंगे उस आप वहां अपील कर सकते हैं। उस अपील पर इतना अधिकार है कि आपको अगर जानबूझकर भी जवाब नहीं देते हैं या नहीं दिया गया है कार्यालय के द्वारा टारबेटर किया गया है तो प्रतिदिन 250 रुपया के हिसाब से लेकर और आपको 25,000 रुपये तक का फाइन करने का अधिकार है। ये फाइन करने का अधिकार हर राज्य में एक मुख्यालय में स्थित होता है जहाँ से वहाँ से समीक्षा की जाती है कि कौन से पदाधिकारी दोषी हैं और किसने समय पर जवाब नहीं दिया तो वहाँ से दंडित किए जाते हैं और एक तरह का सजा के रूप में उनके काउंटिंग होगा। और ये सबका एक सब में एक नियम बना हुआ है, डिटेल्स कानून है उसमें धाराएं बनी हुई है, ये धाराओं पर उस एक और बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं भाई दोस्तों कि अगर आपका जवाब सूचना अगर 10 पढ़ने का अगर हो एवरेज हो तो लोक सूचना पदाधिकारी का अधिकार है कि पुनः आपको स्मारित करेंगे और कहेंगे कि आपका 10 पढ़ने का जवाब है तो उस 10 पढ़ने के जवाब में प्रति पेज आपको 2 रुपया करके आपको देना है और जिसे आप प्राप्त कर आपको भेजना है यानी 10 के यानी 20 रुपये आपको देंगे तो आपको सूचना दी जाएगी। कभी के प्राय आप देखेंगे कि आपकी बहुत इम्पोर्टेंट सूचनाएं हैं और सूचनाएं को अगर उस संबंधित कार्यालय अधिकारी बहुत चलाकी से और वो करते क्या है कि ये अगर जनहित से संबंधित भी है तो करते हैं कि धारा 8 का प्रयोग करके सूचना अधिकार में धारा 8 का प्रयोग करके और ये लोग सूचना को नहीं देने का बहाना बना करके एक जवाब भेज देते हैं। नहीं तो आप अगर ऐसा महसूस होता है कि अगर वो गलत जवाब दिया जबकि जवाब देने का उनका अधिकार है
तो आप सीधा उसके विरुद्ध भी आप अपील में जा सकते हैं, उसके विरुद्ध अपील जा सकते हैं कि उन्होंने तथ्यों को छिपाया और उन्होंने समय पर नहीं दिया और गलत तरीके से सूचना के अधिकार के तहत आपको ये धारा गलत धाराओं का प्रयोग करके और धारा 8 का प्रयोग करके उन्होंने वापस कर दिया है। अगर उसमें जांच में अगर गलत पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध संबंधित जो उनके सीनियर अधिकारी होंगे के द्वारा उनको दंडित किया जाएगा। यानी दोस्तों, ये सूचना का अधिकार के चलते आपको बहुत फायदा है। जैसे हम आम आदमी पर आप देखते होंगे कि समाज में थोड़ा थोड़े जगहों पर काफी कठिनाई होती है। जैसे आप पासपोर्ट बनवाने के लिए आप देते हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर लोग विलंब करता है वहां का, या लाइसेंस बनवाने के लिए आप देते हैं तो वहां विलंब करते हैं, या जैसे कि विवाह हुआ, जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, अनुसूचित जाति या जनजाति, किसी तरह का अगर आप कोई सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र अगर संबंधित ब्लॉक से या हॉस्पिटल से अगर लेने का प्रयास करते हैं तो निश्चित वहाँ ही लोग देने में लोग आनाकानी करते हैं और वो विलम्ब करते हैं। इसी तरह से पानी व बिजली व टेलीफोन के बिल में सुधार करने में भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो ऐसा पाया जाता है कि यहाँ जानबूझ के संबंधित ये कार्यवाला के कर्मियों द्वारा, चार अधिकारियों द्वारा वो जानबूझ के तंग परेशान करते हैं। आप ऐसा भी देखते होंगे थाने में आप लिखित अगर आपने कोई आवेदन दे दिया या कहीं आवेदन आपने बाई पोस्ट से भेज दिया, अगर आपका FIR दर्ज नहीं होता हो थाने में तो आप सूचना अधिकार के तहत आप किसकी भी सूचना आप ले सकते हैं। यानी कि किसी प्रकार का रिफंड, जैसे टैक्स रिफंड, प्रोविडेंट फंड है, मेडिकल भुगतान इत्यादि का जो भी क्लेम है, या मतदाता सूची में अगर गलत तरीका से अगर सही उसमें करवाना हो, चाहे आप उसमें मतदाता सूची में आप देखे होंगे कि जो परिचय पत्र में नाम पता लो उल्टा सीधा लिख देते हैं, तो इस विषय पर आप अपना पत्राचार करके आप सूचना के रूप में, अगर आप इन कठिनाइयों में अगर आप सूचना के अधिकार के तहत अगर आप अप्लाई करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी बात सुनी जाएगी और आपकी बात रखी जाएगी और आपका सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। माय दोस्त, माय ऑल माय फ्रेंड्स, अब अभी सूचना का अधिकार एंड राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत 2005 के तहत जो भी आज इस चैनल के थ्रू आपको बताया गया तो आप समझ गए होंगे, और इस इशू को आज हमने आप लोगों के बीच रखना मैंने उचित समझा। फिर अगले दिन फिर दूसरे इशू पे आएंगे। अगर ये मेरा चैनल आपको पसंद आवे और इसको लाइक करते हैं, प्लीज़ अगेन इन रिक्वेस्टेड वे प्लीज़ सब्सक्राइब भी करवाएं, अपने दोस्तों से करवाएं। अगर करवाते हैं तो लुक स्मार्ट चैनल से बहुत लोगों को नोटिफिकेशन में जानकारी मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ फिर पुनः अगले इशू पे मिलेंगे। नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम।